यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपने पास क्या, यहाँ पे अपने पास 3 Fe है और 4S2 है, Fe3O4 एंड 4S2। यहाँ पे हम देखेंगे एक इंडिविजुअल, हर एक जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके अलग अलग लिख लेंगे हम। जैसे कि आयरन है Fe, एंड H है एंड O है, तो Fe को यहाँ पे गिनेंगे तो Fe यहाँ पे 3 आएगा, और फिर उसके बाद H को गिनेंगे, H कितने यहाँ पे 8 है, 8 कैसे हुए, यहाँ पे 4 दिया है, मतलब ओवरऑल इसका 4, तो 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे 8H है। ऑक्सीजन कितने है? इसमें भी 4 ओवरऑल में लगा है 4, तो यहाँ पे 4O हो जाएगा, तो O = 4 हो जाएगा, तो LHS की ये क्वांटिटीज हैं। और देन सेम इसी तरह हम यहाँ भी देखेंगे Fe कितना है, 3 है, 3 लिख लेंगे, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 4 लिख लेंगे, और ये 4 ओवरऑल H2 के मॉलिक्यूल पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 × 2 = 8, तो H का क्वांटिटी 8, LHS = RHS, ये इक्वल है, मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है।